तो आपका YouTube चैनल फ्रीज हो चुका है। सबसे पहला कारण मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप जुन्नू भाई को दोबारा फिर याद करोगे कि जुन्नू भाई थैंक यू, रुको अभी कहाँ जा रहे हो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो बता दो जिसके आप झमेले में आ जाते हो। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका यूट्यूब चैनल फ्रीज हो चुका है इसलिए आपकी वीडियोज पर व्यूज नहीं आते। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका यूट्यूब चैनल फ्रीज क्यों होता है, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्रीज यूट्यूब चैनल को अनफ्रीज कैसे कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, देन आपकी वीडियोस पर भी व्यूज आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आज आपको पता चल जाएगा कि आपको नया चैनल बनाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आपको बताया फ्रीज क्यों होता है, आई बटन में लिंक आ गया होगा। सबसे पहले तो मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दूं, अगर आपने 3 या 4 महीने पहले चैनल बनाया या 5 महीने आपके चैनल को बने हुए हो गए और आपका चैनल अभी तक ग्रो नहीं हुआ, आपके व्यूज कम आते हैं, आप कॉन्टेंट रेगुलर अपलोड नहीं करते हो, तो आप लोग ये मत सोचना कि मेरा चैनल फ्रीज हो चुका है। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है। आपका चैनल जब फ्रीज होता है वो अलग ही दिख जाता है। जब आप काफी सालों से वर्क कर रहे हो, 1 साल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर हो चुका है, फिर भी आपको व्यूज नहीं मिले, आपके इंप्रेशंस नहीं इंक्रीज हो रहे, तो आपका यूट्यूब चैनल फ्रीज हो चुका है। सबसे पहला कारण, आप लोग रेगुलर नहीं थे, बीच बीच में आप इरेगुलर हुए, कभी अपलोड कभी नहीं, तो आपका यूट्यूब चैनल फ्रीज डेफिनेटली होगा। तो सारी बातों को एक साइड में रख देते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि ये चैनल अनफ्रीज कैसे होगा। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप जुन्नू भाई को दोबारा फिर याद करोगे कि जुन्नू भाई थैंक यू, आपको सिर्फ 2 महीने काम करना है। अब 2 महीने आपको ऐसे काम नहीं करना है जैसे आप करते आ रहे हो, 2 महीने आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, दिल से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो इस वीडियो को आगे देखते रहो। अगर आपका इस टाइप का चैनल है जहां पे आप हर रोज एक वीडियो अपलोड करते हो, तो आपको 2 महीने तक एक भी छुट्टी आपको नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपना खेल छोड़ दीजिए, आप मस्ती मजाक छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए। अगर आपका चैनल ऐसा है कि आप डेली वीडियो अपलोड कर सकते हो तो एक दिन में एक वीडियो, और अगर आपका चैनल ऐसा है कि हफ्ते में आप 2 ही वीडियो अपलोड करते हो तो आपको हफ्ते में 2 वीडियो हर हाल में अपलोड करने हैं 3 महीने तक। और अगर आप 2 दिन में 1 वीडियो अपलोड करते हो, 1 दिन छोड़ते हो, 1 दिन 1 वीडियो अपलोड करते हो, तो आपको 2 से 2.5 महीने रेगुलर वर्क करना है, और आप अभी तक जो कॉन्टेंट बना रहे थे उसी कैटेगरी का कंटेंट बनाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा 100%। अभी तक आप लोग जो कर रहे थे वो आपको नहीं करना है, अब आपको कंटेंट को इंप्रूव करना है, एंड आपको 2 से 2.5 महीने तक रेगुलर काम करना है। आप अपने यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन में जाओ, इंप्रेशंस का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसको कहीं पे भी रख लीजिए जो आपके सामने आ जाए बाद में, अगर आप उसको ढूंढो, देन आपको 2 से 2.5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद ही आप लोग देख लेना, मैं तो बोलूंगा कि 28 डेज के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपके जो इंप्रेशंस होंगे 100% अप हो जाएंगे। अगर पहले महीने नहीं होते तो सेकंड मंथ तो हो ही जाएंगे। देन आप जुन्नू भाई को याद करोगे कि जुन्नू भाई थैंक यू सो मच इतना कुछ बताने के लिए। बाय द वे अभी तक तो कुछ भी नहीं है, आगे सुनो। तो अगर 2 से 2.5 महीने में या 3 महीने में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, दिल से काम करने पर, अच्छा करने पर, सब कुछ अट्रैक्टिव करने पर, तो भाई आपको नया चैनल बना लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने कुछ टाइम पहले, कुछ ही महीनों पहले चैनल शुरू किया था, देन आप नया बनाने की सोच रहे हो, तो भाई मत करो, आपको इस टाइम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं तो यूट्यूब पे आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, याद रखना, सच्चाई है। तो मान लेते हैं आपने 3 महीने रेगुलर वर्क कर लिया, तो उसके बाद आपके इंप्रेशंस इंक्रीज नहीं हुए, वैसे तो 99.9% हो जाएंगे, 0.1% नहीं हुए, तो आपको नया चैनल बना लेना चाहिए। एंड अब आपको ऑलरेडी यूट्यूब का एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको 3 महीनों में ही पता चल जाएगा कि ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, हमारी वीडियोस पे ऑडियंस रिटेंशन कम क्यों आ रहा है, आप खुद पता चला लोगे 3 महीने तक जब हार्ड वर्क करोगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग हवा में काम करते हो, बस बना रहे हो कंटेंट, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो कि आज भी वीडियो अपलोड करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, भाई एडवांस में आपने 1 हफ्ते की वीडियो रेडी करके रख लिए, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, भाई नहीं चलेगा। अभी के टाइम में लोगों को क्या पसंद है वो फाइंड करो, ट्रेंडिंग कॉन्टेंट पे वीडियोज बनाओ, देन आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, 100% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके इंप्रेशंस 1 महीने में ही इंक्रीज हो जाएंगे। रुको अभी कहाँ जा रहे हो,
आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो बता दो जिसके आप झमेले में आ जाते हो। सब्सक्राइबर्स, व्यूज या लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में किसी भी ऐसी वेबसाइट पर मत जाना जो आपको फ्री में सब्सक्राइबर्स या व्यूज देती है। ये गलती मत करना, खुद की वीडियोस खुद से मत देखना, इनवैलिड एक्टिविटी हो जाता है। इनवैलिड एक्टिविटी इसको ही बोलते हैं, खुद की वीडियो खुद देखना। आप खुद के लिए वीडियो बना रहे हो या ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहे हो, मेरे को बताओ। तो आप लोग अपना वीडियो खुद से मत देखा करो, ये इनवैलिड एक्टिविटी होता है। देन आपकी वीडियोस पे इंप्रेशंस नहीं आते हैं। बाय द वे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो साइड में वीडियो दिख रहा है एक बार देख लेना, फ्रीज क्यों होता है मैंने आपको बताया हुआ है ऊपर वाली वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। थैंक यू।